Welcome students. So how are you all? I hope you are studying well and not wasting your time. Dekho bachcho, time is very precious and once it is gone forever. Wo kabhi wapas nahi aata. Theek hai? So please don't waste your time. Utilize this precious time. Time is very precious. इस टाइम को आप यूटिलाइज करो कुछ जानने में कुछ सीखने में. वो आपके स्टडी रिलेटेड हो सकता है या कुछ भी. ठीक है, डू समथिंग प्रोडक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव करने का कोशिश करना. ठीक है, सो स्टडी वेल. सो लेट अस बिगिन विथ टूडेज क्लास. इन माई लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. I hope that video is clear to you people. अगर वो समझ में नहीं आता है तो फिर से देखना. कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. ठीक है, सो अगर वो समझ में नहीं आया तो आज का लेक्चर आपको समझने में तकलीफ होगा. ठीक है, सो आज हमारा लास्ट लेक्चर है फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 17. ठीक है, सो आज हम तीन एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नीट में ये थ्री एक्स्ट्रा टॉपिक्स से काफी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये थ्री टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन स्टिल क्वेश्चंस पूछा जाता है. क्या होता है बच्चों, से 90% क्वेश्चंस इन नीट कम्स फ्रॉम एनसीईआरटी एंड रिमेनिंग 10% इज समथिंग एक्स्ट्रा. ओके, जो एक्स्ट्रा या ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए होता है. ठीक है, सो मैं वो कुछ कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को जहां पे जरूरत है आई विल एड इट. ओके, तो आज हम थ्री एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ेंगे. एक है बोर्स इफेक्ट, हेल्डेन्स इफेक्ट एंड क्लोराइड शिफ्ट. तीन एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड देन वी विल स्टडी डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. दिस आर द फाइव थिंग्स व्हाट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज लेक्चर. थोड़ा लंबा लेक्चर हो सकता है, सो प्लीज बी पेशेंट एंड ध्यान से सुनना. इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू पीपल. अगर आप ये समझोगे, ऑब्वियसली नीट में आपका 4 मार्क्स तो पक्का ही है और जिसको समझ में नहीं आया उसका 4 मार्क्स गया. ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा, सो प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो केयरफुली. सो फर्स्ट लेट अस सी बोर्स इफेक्ट. ओके, बोर्स इफेक्ट क्या कहता है. ओके, मैंने पूरा बोर इफेक्ट का डेफिनेशन यहाँ पे लिख लिया. क्यों लिखा मैंने, तो मैंने आपको नोट्स में भी दिया है, इसलिए लिखा ताकि नोट में जब आप पढ़ोगे मे बी आपको कुछ टर्म समझ में नहीं आ सकता है आपको. ठीक है, सो मैं ईच एंड एवरी टर्म को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगी. सी आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक द थिंग्स एज सिंपल एज पॉसिबल ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो. इवन आई प्रोवाइड यू नोट्स ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो नोट्स बनाने में एंड ऑल दोस. बस आपका काम है टू स्टडी. ओके, सो प्लीज स्टडी वेल. ओके, दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज स्टडी वेल. सो फर्स्ट बोर्स इफेक्ट. बोर्स इफेक्ट वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम क्रिश्चियन बोर. क्रिश्चियन बोर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने ये बोर्स इफेक्ट दिया था, इसलिए इसे बोर्स इफेक्ट कहा जाता है. तो व्हाट इज बोर्स इफेक्ट, ये बोर्स इफेक्ट कहता क्या है. बोर्स इफेक्ट कहता है कि जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है देन ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्लड के पीएच को कम कर देता है, मतलब ब्लड को एसिडिक बना देता है. एसिडिक होने के कारण ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर पाता है और डिसोसिएट हो जाता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन. दिस फिनोमेना इज नोन एज बोर्स इफेक्ट. वेरी सिंपल, इसी को ही मैंने डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है. सो लेट अस रीड इट. When there is increase, याद रखना है, increase in carbon dioxide concentration in the tissue. जब हमारे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है दिस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बींग रिलीज इन द ब्लड जब वो ब्लड में पहुंचता है रिएक्ट विथ वाटर. इट रिएक्ट विथ वाटर. आपको पता है ये इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था. लेट मी राइट इट डाउन अगेन फॉर यू पीपल. क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है इट रिएक्ट्स विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम. वो एंजाइम का नाम क्या है बोलो प्लीज. कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम एंड इट फॉर्म्स ए कंपाउंड नोन एज कार्बनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होता है. मैंने बोला है आप लोगों को दिस वीक एसिड ब्रेक्स डाउन टू बाई हाइड्रोजन आयन्स एंड बाइकार्बोनेट आयन.
ठीक है, हमें पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है आरबीसी के अंदर. सो इट रिएक्ट्स विथ वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट होता है टू फॉर्म कार्बनिक एसिड. कार्बनिक एसिड बनाया विच फर्दर डिसोसिएट्स, डिसोसिएट मतलब टूट जाना इंटू एच प्लस एंड एच सी ओ थ्री, दैट इज बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में वो टूट जाता है. द रिलीज बाइकार्बोनेट रिलीज हाइड्रोजन आयन लोअर्स द पीएच ऑफ ब्लड. वो क्या करता है, पीएच लेवल कमा देता है. पीएच मतलब हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, उसको बोलते हैं पीएच. आपको पता है पीएच स्केल 0 to 14 के रेंज में होता है और 7 को बोलते हैं न्यूट्रल. ये आपने क्लास 9 साइंस में पढ़ा होगा, 7 को न्यूट्रल बोलते हैं. और 7 के इस तरफ जो नंबर है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसे बोलते हैं एसिडिक. ये एसिडिक और इस तरफ है बेसिक. ओके, मतलब बेस है ये एसिडिक, ये बेस. ये हमने क्लास 8, 9 में ही पढ़ लिया है. ठीक है, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल. सो क्या होता है, ये ब्लड के इट लोअर्स द पीएच ऑफ ब्लड. लो द पीएच मतलब पीएच वैल्यू कम हो जाता है. कम होना मतलब 1, 2, 3 ऐसे कुछ हो सकता है. ठीक है, मतलब ये ब्लड को क्या बना देता है, एसिडिक. इट मेक्स ब्लड एसिडिक विच इंड्यूसेस डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. डिसोसिएशन मतलब ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है उसे वो तोड़ देता है. इट डिसोसिएट्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन. दिस फिनोमेना ऑफ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन resulting in increased dissociation of oxyhemoglobin is called Bohr's effect. Okay, इसी phenomenon को हम Bohr's effect बोलते हैं. तो अगर मैं Bohr's effect को फिर से बोलूँ in a short form, when there is increase in carbon dioxide concentration in the tissue, this carbon dioxide lowers the pH of blood. वो blood के pH को कमा देता है, मतलब it makes the blood acidic. और एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं कर सकता. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला है. ठीक है, इट कैन नॉट बाइंड, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड नहीं हो सकता. सो इट मेक्स द ब्लड एसिडिक एंड दिस एसिडिक कंडीशन लीड्स टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन. ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो बना था HbO2 वो डिसोसिएट कर दिया. ठीक है, एंड दिस फिनोमेना ऑफ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन द ब्लड लीडिंग टू डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज नोन एज बोर्स इफेक्ट. ओके, क्लियर. Let us see Haldane's effect. Haldane effect is just opposite to that of Bohr's effect. Okay, Haldane effect was first given by a scientist known as John Scott Haldane. इसलिए इसका नाम Haldane effect पड़ा. Haldane effect क्या कहता है कि जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो वो क्या करता है, ब्लड के पीएच को बढ़ा देता है. मतलब वो ब्लड को बेसिक बना देता है या अल्कलाइन बना देता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड इज अनेबल टू बाइंड विथ हीमोग्लोबिन. कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पाता है एंड इट लीड्स टू डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हीमोग्लोबिन. दिस फिनोमेनन इज नोन एज हेल्डेन इफेक्ट. वो ठीक आपका बोर इफेक्ट का उल्टा है. सो लेट अस सी हेल्डेन इफेक्ट गिवन बाय जॉन स्कॉट हेल्डेन. इट स्टेट्स दैट डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का एफिनिटी मतलब उसका जो एट्रैक्शन है टुवर्ड्स हीमोग्लोबिन. डिक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, उसका जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने का जो कैपेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है. क्यों होता है, इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन ब्लड पीएच. ब्लड का पीएच बढ़ गया मतलब ब्लड अभी क्या हो गया, इट बिकेम एल्कलाइन. Resulting from increased oxygen concentration, ये चीज याद रखना, resulting from increased oxygen concentration in the blood is known as Haldane's effect. Okay, ठीक उल्टा हमने Bohr's effect में देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का concentration बढ़ जाता है एंड इन केस ऑफ Haldane's effect ऑक्सीजन का concentration बढ़ जाता है. ये कहाँ पे होता है, ये होता है आपका lungs में और आपका बोर इफेक्ट होता है इन टिश्यूज जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड हेल्डेन इफेक्ट ऑकर्स इन लंग्स. ओके, एम आई क्लियर विद बोर्स इफेक्ट एंड हेल्डेन इफेक्ट. सो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप बोर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट का एक डिफ्रेंशिएट करना. ठीक है, चार पॉइंट इधर, चार पॉइंट इधर, चार पॉइंट लिखना. ठीक है, सो दैट्स अ होमवर्क फॉर यू पीपल. Now let us see our third topic which is very very important, that is chloride shift. इसको IMP लिख के रखना अपने कॉपी पर, important. It is very important, chloride shift. What do you mean by chloride shift? Shift, shift का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाना, that is what is shift. जैसे कि see I did my schooling
in Arunachal Pradesh. Okay, and now presently I am in Assam. So I shifted from Arunachal Pradesh to Assam. Okay, so that is what is shifting. Okay, so यहाँ पे भी कुछ shift हो रहा है. क्या shift होता है? क्या होता है कि हमारे जो body tissue है, यहाँ पे मैंने एक tissue बनाया, ये cells. Okay, tissue में क्या produce हो रहा है? Carbon dioxide. बहुत large amount में carbon dioxide produce हो रहा है. And that carbon dioxide आपका आरबीसी के अंदर जाता है. ये हमने पहले क्लास में भी देखा है. बार बार मैं ये रिएक्शन लिख रही हूँ. आप लोग बोलो कि मैम पागल है क्या, इतने बार रिएक्शन लिखती है. यस, इट इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड आपका आरबीसी में जाता है. ये आरबीसी में जाके वाटर के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस. मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सीए. सीए स्टैंड्स फॉर कार्बनिक एनहाइड्रेस. कार्बनिक एनहाइड्रेस में इट फॉर्म्स कार्बनिक एसिड व्हिच डिसोसिएट्स टू एच प्लस एंड HCO3 negative, that is bicarbonate ion. Bicarbonate ion जब बनता है ये बाहर निकल के आ जाता है into blood plasma. This is RBC, और RBC के बाहर क्या होगा? बाहर का जो एरिया है, बाहर का एरिया को हम क्या बोलेंगे? That is blood plasma. Blood plasma. Okay, बाहर निकल के आ जाता है blood plasma में. जब ये निकल के आता है तब क्या होता है? आप देख सकते हो एक CO3 का चार्ज क्या है, पॉजिटिव ना नेगेटिव, इट इज नेगेटिव. ओके, तो ये निकल के आ गया. अभी अंदर में सिर्फ H प्लस है, मतलब अंदर में पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया. हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस रहना पड़ता है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, ये जब निकल के आ गया तो पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया. इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसेंट्रेशन क्या होता है, आपका क्लोराइड ब्लड प्लाज्मा से अंदर जाता है. क्लोराइड आयन शिफ्ट होता है बाहर से फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू इनर साइड. अभी क्लोराइड आयन अंदर गया और एक CO3 बाहर निकल के आया. ये क्लोराइड आयन बाय मीन्स ऑफ ए ट्रांसपोर्टर अंदर जाता है. ओके, इट एंटर्स इनसाइड आरबीसी बाय मीन्स ऑफ ए ट्रांसपोर्टर. सो ये क्लोराइड आयन का अंदर जाना और एक CO3 का बाहर निकलना, ओके, दिस इज व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट. यहाँ पे क्या हुआ, क्लोराइड का शिफ्टिंग हुआ फ्रॉम प्लाज्मा, फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू आरबीसी. प्लाज्मा से आरबीसी में आपका क्लोराइड आयन का शिफ्टिंग हुआ. दिस इज व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट. वेरी इजी, इसी को ही क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं. ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एंट्रेंस में आता है. ठीक है, नाउ और एक है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल. सो आप जब हायर क्लासेस पे जाओगे देन यू विल स्टडी रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट भी होता है. मतलब क्लोरीन अंदर से बाहर जाना, एक CO3 प्लाज्मा से फिर अंदर आना. ठीक है, ये हमारे लंग्स में होता है. ठीक है, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट. और ये चीज होता है आपके टिश्यूज में, ये सब टिश्यूज में होता है, टिश्यूज के सराउंडिंग में जो आरबीसी है वहां पे होता है. ठीक है, सो आई एम रिपीटिंग क्लोराइड शिफ्ट अगेन. क्लोराइड शिफ्ट में क्या होता है, जब एक H2CO3 ब्रेकडाउन होता है इंटू H प्लस एंड बाइकार्बोनेट आयन, दिस बाइकार्बोनेट आयन मूव्स इंटू ब्लड प्लाज्मा इन ऑर्डर टू बैलेंस द चार्ज इन साइड आरबीसी एंड इन द ब्लड प्लाज्मा. क्लोराइड आयन्स फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा मूव्स इंटू फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा मूव्स टू आरबीसी. दिस शिफ्टिंग ऑफ क्लोराइड आयन्स फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा टू आरबीसी इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट. So we are done with three topics, that is Bohr's effect, Haldane's effect and chloride shift. Now let us see regulation of respiration, that is how respiration is regulated in our body. कैसे हम respiration को control कर सकते हैं? हमारे body में क्या होता है? Respiration is being regulated by neural system, that is our nervous system. It helps in regulation of respiratory system. Okay, now in our human brain, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में ह्यूमन ब्रेन बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपको पता होगा, आपने ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लास 10 में भी पढ़ा है. ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट्स. आई एम राइटिंग हियर अगेन. ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स. क्या क्या है पार्ट्स? दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन and hind brain. These are the three parts of human brain. Hind brain consists of three parts, that is pons, medulla and cerebellum.
दिस आर द थ्री पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन. ठीक है, ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी इन चैप्टर नंबर 21 ब्रेन का स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जितना चाहिए उतना बोल रही हूँ. ठीक है, सो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. एंड हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, दैट इज पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम. यहाँ का जो आपका मेडुला रीजन है, उस मेडुला रीजन, हमारा ब्रेन का जो मेडुला रीजन है, उसमें एक सेंटर है नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. उस सेंटर का नाम है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. एंड पॉन्स कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर नोन एज न्यूमोटेक्सिक सेंटर. नाम से ही पता चल रहा है पी और पी, न्यूमोटेक्सिक सेंटर. पॉन्स कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर नोन एज न्यूमोटेक्सिक सेंटर. दिस न्यूमोटेक्सिक सेंटर इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. ये न्यूमोटेक्सिक सेंटर आपका रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को. ठीक है, वो रेगुलेट करता है कि रेस्पिरेशन कितना फास्ट होना चाहिए, कितना स्लो होना चाहिए. दिस न्यूमोटेक्सिक सेंटर रेगुलेट्स द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के ठीक सामने, ये सपोज ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, उसके ठीक सामने है कीमोसेंसिटिव एरिया. दिस एरिया इज, उसके ठीक सामने है कीमोसेंसिटिव एरिया. दिस एरिया इज हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. बहुत सेंसिटिव है. जब हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, एट दैट टाइम इट गिव्स अ सिग्नल टू रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. वो उसे सिग्नल देता है कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, हाइड्रोजन का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, तो यू इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट ताकि ऑक्सीजन का डिमांड फुलफिल हो सके. सो इन दिस वे रेस्पिरेशन इज बीइंग रेगुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी. सी देयर आर, आई एम रिपीटिंग अगेन, मेडुला रीजन ऑफ अवर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटर नोन एज रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. And the pons region consists of a center known as pneumotaxic center. This pneumotaxic center regulates the respiratory rhythm center. वो उसे signal देता है कि respiration बढ़ाना है या कम करना है. And respiratory rhythm center के ठीक नीचे है chemosensitive area. This area is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion concentration. जब हमारे body में इनका concentration बढ़ जाता है, then it gives a signal to respiratory rhythm center कि आप अपना respiratory rate बढ़ा दो ताकि oxygen का demand fulfill हो सके. So that's all for regulation of respiration. Let us now see the disorders of respiratory system. Respiratory system में क्या क्या disorders हो सकता है, मतलब क्या क्या problems हो सकता है. जैसे कि हमने disorders of circulatory system पढ़ा था, वैसे ही respiratory system में भी कुछ कुछ problems या disorders हो सकते हैं. क्या क्या है, आपके NCERT textbook में 3 disorders mention है, तो मैं वो 3 disorders ही पढ़ाऊंगी. First is asthma. Second is emphysema and third is occupational respiratory disorder. So let us first see asthma. ये asthma भी बोलते हैं, which is the most common type of respiratory disorder. बहुत common है ये. ठीक है, बहुत common है. Even 100 में आपका 10 लोगों में ये दिखाई देता है. ठीक है, it's very common asthma. So ये क्या, इसमें क्या होता है, a person faces difficulty in breathing. उसे सांस लेने में problem होता है. क्यों उसे सांस लेने में problem होता है, बिकॉज उसका जो ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स जो है, आपको याद है ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, याद है ना, ट्रेकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई में, फिर वो फर्दर डिवाइड करता है ब्रोंकियोल्स में. ओके, सो उस ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के वाल में एक म्यूकस जम जाता है, जिसके कारण वो थिन हो जाता है, वो पतला हो जाता है, जिसके कारण एयर नहीं जा पाता है. ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज एस्मा. ओके, और एस्मा को कैसे ट्रीट करते हैं, बाय यूजिंग इनहेलर. इनहेलर देते हैं, वो इनहेलर में एक मेडिसिन रहता है, वो मेडिसिन क्या करता है, वो जो जो जम जो म्यूकस जो यहाँ पे जमता है उसे हटाता है फॉर टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए. सो एस्मा पेशेंट को जब भी अटैक होता है तो इनहेलर लेना पड़ता है. ठीक है, सो लेट अस सी एस्मा. एस्मा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो मैंने बोला डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, मतलब जो ब्रोंकाई है, That is, ये ट्रेकिया है, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स. ओके, ब्रोंकियोल्स के नीचे एल्वियोलाई है, ये ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और आपका ब्रोंकाई के वाल में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. ये जो मैंने ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया है, मतलब उसमें कुछ जम जाता है, म्यूकस जम जाता है, जिसके कारण एयर ठीक तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है. दिस कंडीशन इज नोन एज एस्मा. बहुत लोग इसे एस्थमा भी बोलते हैं, बट एक्चुअली दिस एस्मा, टी इज साइलेंट. ओके, हियर, सो एक्सपोजर टू डिफरेंट इरिटेंट्स. अभी ये क्यों होता है,
एस्मा क्यों होता है? एक्सपोजर टू डिफरेंट इरिटेंट्स, मतलब जो एलर्जी कॉज करता है, एंड सब्सटेंसेस लाइक एलर्जेंस, जो एलर्जेंस एलर्जी कॉज करते हैं. किसी किसी को कोई डस्ट से होता है एस्मा, किसी को बहुत ठंड से होता है, बहुत गर्मी में किसी का होता है, किसी को कोई पेट जैसे कि कुत्ता बिल्ली, ओके, उसमें क्या होता है आपका जो उसका जो फर है, जो मतलब उसकी बॉडी में जो फर है उसकी वजह से भी एस्मा होता है किसी का. सो डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट रीजन होता है एस्मा होने का. सब्सटेंसेस लाइक एलर्जेंस कैन ट्रिगर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एस्मा. ओके, सो एक्सपोजर टू डिफरेंट इरिटेंट्स एंड सब्सटेंसेस लाइक एलर्जेंस कैन ट्रिगर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एस्मा. वो जो आपका ये इरिटेंट्स या एलर्जेंस है, जैसे कि डस्ट हो या हीट हो या कोल्ड हो, ओके, बहुत लोगों को पॉलन ग्रेन से भी आपका ये एलर्जी होता है, उसमें भी एस्मा हो सकता है, ठीक है. सो इट कैन बी ट्रीटेड बाय ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. यहाँ पे ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड बाय यूजिंग इनहेलर. ओके, इसका कोई प्रेस्क्राइब ऐसा मेडिसिन नहीं है. बाय यूजिंग इनहेलर एंड बाय डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ओके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली सुबह या कोई भी आपका जो फ्लेक्सिबल टाइम है उसमें कर सकते हो. उससे क्या होता है, इसका थोड़ा बहुत ये ठीक होके आता है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर एस्मा. सो द सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज एम्फिसीमा. एम्फिसीमा में क्या होता है, एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज. एल्वियोलाई आपको याद है, एल्वियोलाई, ओके, एल्वियोलाई जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसका जो वॉल है वो डैमेज हो जाता है. ओके, ये वॉल डैमेज हो जाता है. इन केस ऑफ एम्फिसीमा द एल्वियोलर वॉल्स गेट डैमेज, जिसके कारण क्या होता है, गैसेस का जो एक्सचेंज है वो ठीक तरीके से नहीं होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन का कमी दिखाई देता है आपके डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में. ओके, सो एम्फिसीमा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. टू मच जो स्मोक करते हैं उनका जो लंग्स, बोलते हैं ना लंग्स खराब हो जाता है, एक्चुअली लंग्स नहीं, एल्वियोलर जो वॉल है वो खराब होता है, ठीक है, एल्वियोलर वॉल खराब हो जाता है. सो दैट कंडीशन इज नोन एज एम्फिसीमा. सो लेट अस सी एम्फिसीमा. इन एम्फिसीमा द एयर सैक्स दैट इज एल्वियोलाई इन द लंग्स आर डैमेज, एल्वियोलाई डैमेज हो जाता है, ठीक है. दिस रिड्यूसेस द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स. सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स तो कम हो जाएगा, एल्वियोलर वॉल अगर डैमेज, वॉल अगर डैमेज हो गया तो लंग में जहां पे एक्सचेंज करने का जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है. एंड इन टर्न द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट रीचेज द ब्लड स्ट्रीम वो भी कम हो जाता है. जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है हमारे ब्लड को, ताकि डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ले जा सके, वो भी कम हो जाता है. द मेन कॉज ऑफ एम्फिसीमा आर टोबेको स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन एंड केमिकल फ्यूम्स. टोबेको स्मोकिंग, जो लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं उनमें ये एम्फिसीमा देखने को मिलता है, ठीक है. सो अगर आप में से कोई स्मोक करता है, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे नहीं करते, स्टिल अगर कोई करता होगा सो प्लीज डोंट डू दैट. इवन आपका कोई पेरेंट्स या फ्रेंड्स या ब्रदर कोई भी करता है, सो उन्हें भी बोलना दिस इज नॉट गुड. ओके, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. ओके, सो टोबेको स्मोकिंग के कारण हो सकता है, एयर पोल्यूशन, आजकल तो पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है उसके कारण भी हो सकता है, एंड केमिकल फ्यूम्स, मतलब जो इंडस्ट्रीज से जो फ्यूम्स निकलता है, जो धुआं निकलता है, उसके कारण भी हो सकता है, ठीक है. एम्फिसीमा, दैट इज एम्फिसीमा में क्या होता है, मेनली याद रखना कि एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाता है, ठीक है. एम्फिसीमा के लिए बहुत मेडिसिन बन रहे हैं आजकल, ठीक है. बाय यू विल बी स्टडिंग दिस इन योर क्लास 12. ओके, क्या मेडिसिन है एम्फिसीमा का. Let us now see the last type of disorder, that is occupational respiratory disorder. Occupational respiratory disorder occurs in workplace. Okay, workplace like coal mines or stone breaking industries, वहां पे होता है. वहां पे क्या होता है, जो workers वहां पे काम करते हैं वहां पे बहुत dust produce होता है, तो उन workers के lungs में ये dust जमा हो जाता है long exposure के कारण. काफी time से अगर काम करते आया है तो वो जमा हो जाता है, जिसके कारण लंग्स डैमेज हो जाता है, ठीक है. उसी डिसऑर्डर को कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. सो लेट अस सी, इट इज कॉज्ड एट वर्क प्लेस लाइक कोल माइंस. कोल माइंस मतलब आपका जो कोयला का जो इंडस्ट्रीज होता है उसे कोल माइंस कहते हैं. ग्राइंडिंग, जहां पे कुछ तोड़ा जाता है, ग्राइंडिंग. और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री, स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर जहां पे आपका
तोड़ा जाता है उस इंडस्ट्री को बोलते हैं स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज। वहां पे भी ये सब होता है आपका ये ऑक्यूपेशन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। दिस ऑकर्स व्हेन द टॉक्सिन्स, यहाँ पे टॉक्सिन्स मतलब समथिंग पॉइजनस, ओके। और यहाँ पे टॉक्सिन्स का मतलब जो डस्ट जो वहां से रिलीज होता है, जब हम ये पत्थर सपोज पत्थर जब हम उसे तोड़ते तो बहुत डस्ट प्रोड्यूस होता है, दैट डस्ट इज नाउ पॉइजनस। इट इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द लंग्स, जो लंग्स का जो सराउंडिंग है उसे ये इफेक्ट करता है, लंग्स को ये इफेक्ट करता है। नाउ देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर ओआरडी, कोई ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे, जो ट्रीटमेंट या जो मेडिसिन अवेलेबल है वो जस्ट उसको थोड़ा सा कम कर सकता है बट नॉट कम्प्लीटली उसे क्योर नहीं करता है। ट्रीटमेंट कैन ओनली रिड्यूस द सिम्टम्स एंड प्रिवेंट फर्दर डैमेज। ट्रीटमेंट इंक्लूड क्या क्या ट्रीटमेंट है, कुछ कुछ मेडिसिन है, इनहेलर है, इसके लिए भी इनहेलर है, एंड यूज ऑफ मास्क, ओके, मास्क बाय द वर्कर्स। तो जब भी वो वर्कर्स वहां पे काम करने जाते हैं उनको प्रोटेक्टिव मास्क पहन के जाना पड़ता है, ठीक है। सो दिस आर सम ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मेंशन इन योर एनसीईआरटी। सो हमने थ्री रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स देखा, एक है आपका एस्मा, फिर एम्फाइसिमा एंड लास्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इन सब का पॉइंट्स आप अब अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, फर्स्ट वी हैव सीन Haldane's effect, then we have seen Bohr's effect, then chloride shift, then regulation of respiration, and lastly we have seen disorders of respiratory system. So we have learned five things today. So please study these things, okay? And अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया या कुछ समझ में आया, then you can like my video and also you can subscribe to my channel. Thank you and study well.